भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी घोषणा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सतत विकास करती है। झूठ बोल बोल करके जनता को बेवकूफ बना बना करके वो चार बार विधायक बन गए, अब जनता उनके कहने पे नहीं आने वाली। ये तय कर देना कि कितने वोट से जीतेगी ये उचित नहीं कहलाएगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि नजदीक में जल्दी कोई नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश का चुनावी रंग इस समय चरम पर है, सूबे का सियासी पारा इस समय बेहद ऊपर पहुंच चुका है, यानी बेहद चरम पर है, और अब मतदान होने जा रहे हैं। जी हां, 17 नवंबर को मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में यानी सूबे में किसकी सरकार बनेगी। क्या शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार वापस आएगी या इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश में, और हम इस समय मौजूद हैं सतना जिले की मेहर विधानसभा सीट में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं धर्मेश खाई जी। हम इस समय बात करेंगे श्रीकांत चतुर्वेदी जी से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसे के साथ चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या है भारतीय जनता पार्टी का इस बार प्लान, क्या है मेयर विधानसभा सीट के लिए, और क्या किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने बोला सतना जिले की, तो ये सतना जिले की नहीं, ये मैहर जिला है, और मैहर जिला की मैहर विधानसभा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मैहर को जिला घोषित किया है, और मैहर के जिला घोषित करने के साथ साथ में ये जो यहाँ का सबसे विश्व प्रसिद्ध है माँ शारदा, तो माँ शारदा लोक की घोषणा की है, और उसके लिए 25 करोड़ रुपये आ भी गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मैं मैदान में उतरा हूँ उसकी टिकट के साथ में, तो विकास को लेकर उतरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी घोषणा नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सतत विकास करती है। इसके पहले आपने सुना होगा कि आज से 3 साल पहले कमलनाथ जी ने घोषणा किया था मैहर को जिला बनाने का, ना उन्होंने परिसीमन किया था, ना राजपत्र में आया था, ना कैबिनेट में बैठक हुई थी, ना उसकी मंजूरी हुई थी, यूं ही खाका तैयार कर दिया था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिला घोषित किया, एक माह में दावा आपत्ति हुई, परिसीमन किया, कितने हल्के पटवारी आएंगे वो किया, और साथ में कलेक्टर को और एसपी को लेके आए, और तुरंत उन्होंने उनको गुलदस्ता दे करके कार्यालय में बैठा दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने अभी बताया कि आप विकास को लेकर इस बार मैहर से चुनावी मैदान में उतरे, विकास के किन मुद्दों पर आप गौर कर रहे हैं इस बार? आप विकास देखिए, आप अभी हमने मैहर हाल ही में, मैं आपको बताया माँ शारदा लोक का 4 लेन, इसके बाद में रिंग रोड मैहर का, जिसके लिए 273 करोड़ रुपया आ भी गया है, तो हल्की हरी की पौड़ी का है, इसके बाद में हम मैहर से चारों तरफ 4 लेन की हमारी प्लानिंग है। इस बार आपके सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो धर्मेश घई, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में आपके सामने धर्मेश घई जी उतरे हैं, तो क्या ये कंपटीशन की बात हो सकती है इस बार? चुनाव तो कंपटीशन को ही चुनाव कहते हैं, लेकिन जहां तक घर में धर्मेश घई जी की बात करते हैं, वो यहां पे 5 साल नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, और ये जनता खड़ी हुई है, आप सबसे पूछ लीजिए, आप इन सब ने उनको वोट किया था, मैं समझता हूँ यहाँ पे 80% लोगों ने उनको वोट दिया था, एक भी व्यक्ति उनके बारे में अच्छा बोल दे। उन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, मैहर को गर्त में डाल दिया, और शिवा आश्वासन के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। श्रीकांत जी, हाल ही में बहुत सारे सर्वेज ऐसे आए हैं जिसमें ऐसा कहा गया और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती है, तो क्या है आपकी राय? कांग्रेस 15 महीने में कांग्रेस केवल जुमले की सरकार रही, ट्रांसफर उद्योग चलाई थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको उन्होंने बंद कर दिया था, संबल योजना, जो कि भगवान न करे किसी के यहाँ घटना घटे, कोई ख़त्म हो जाता था तो तुरंत उसको 5,000 रुपये दिया जाता था, और ख़त्म होने के बाद में आकस्मिक घटना घटती थी तो 4 लाख रुपये, और वैसे सामान्य घटना में 2 लाख रुपये दिया जाता, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये सबको मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी। और आपको एक चीज़ और सबसे मेन बता दूँ कि अभी हाल ही में 1 घंटे के अंदर अंदर हर लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपये पहुँच जाएगा, और प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे प्रदेश में 3.5 करोड़ लाडली लक्ष्मी के खाते में पैसा डाले, अकेले मैहर में 64,358 वोटे हैं। तो इस बार जैसे आपको पता है कि नारायण त्रिपाठी जी ने जो यहाँ से विधायक बनना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और विधायक नहीं बन पाए या प्रत्याशी नहीं बन पाए, तो इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है विंध्य जनता पार्टी, उसके उन्होंने 25 प्रत्याशी भी उतारे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विंध्य जनता पार्टी इस बार चुनाव में एक नया चेहरा बन सकती है?
खास तौर पर मेहर में। आपके पास उनके सारे स्टेटमेंट होंगे जी। पहले उन्होंने बोला 31 सीट जी। फिर उन्होंने बोला 230 सीट। जैसे उन्होंने 230 सीट बोला वैसे बिंद का मुद्दा समाप्त हो गया। फिर उन्होंने अपने लोगों को बोला कि अब स्लोगन हटा दो बिंद का, वो कांग्रेस के चक्कर काटने लग गए कि अब बिंद की बात ना करो। फिर कांग्रेस ने जब टिकट नहीं मिला फिर वो भाजपा के दरवाजे गए, बीएसपी के दरवाजे गए। फिर बीएसपी जी ने मना कर दिया, फिर जल्दबाजी में उन्होंने फिर बिंद की बात करना चालू कर दी और 230 से फिर डायरेक्ट आ गए खत्ते में 20 सीट में। और 20 सीट को छोड़ करके अब एक सीट में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मेरी जमानत बच जाए। और मैं समझता हूँ ये मैहर की जनता है जो उनकी अब इस बार जमानत भी नहीं बचेगी, क्योंकि झूठ बोल बोल करके जनता को बेवकूफ बना बना करके वो चार बार विधायक बन गए, अब जनता उनके कहने पर नहीं आने वाली। इस बार कितने वोटों से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में? देखिए ये तय कर देना कि कितने वोट से जीतेगी ये उचित नहीं कहलाएगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि नज़दीक में जल्दी कोई नहीं रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी जी। अब आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज़। जितनी भी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें होंगी वो आपको हर एक खबर पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी वीके न्यूज़ में। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह का मोड़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया जाएगा और क्या कांग्रेस इस पर हावी होती है या क्या उनकी तरफ से कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए हमारी तरफ से इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।